मुझे न्याय चाहिए मेरी बेटी का, जल्लादों को फांसी दो, फांसी दो। ये गुहार है उस माँ की जिसकी बच्ची अब इस दुनिया में नहीं रही। आप देख रहे हैं दिल्ली तक, मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली कैंट के नांगल गांव का पूरा मामला इस वक्त सुर्खियों में छाया हुआ है। 9 साल की मासूम बच्ची शमशान घाट गई थी पानी लेने के लिए और उसके बाद जिंदा नहीं लौटी। परिवार के गंभीर आरोप हैं। परिवार का साफ तौर पर कहना है कि शमशान घाट के अंदर उनकी बच्ची के साथ दरिंदगी हुई, उसके बाद बच्ची को मार दिया गया और फिर बिना उनकी इजाज़त के बच्ची का आनन फानन में अंतिम संस्कार किया गया। अब इस पूरे मामले ने राजनीतिक शक्ल ले ली है। तमाम पार्टियों के नेता परिवार से, पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पहुंच रहे हैं और अब इस कड़ी में कांग्रेस के नेता, जी हाँ, राहुल गांधी भी पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पहुंचे। जब वो वहां पर पहुंचे, उनके खिलाफ जमकर लोगों ने नारेबाजी की, विरोध प्रदर्शन किया। और उसके बाद जब राहुल गांधी वहां पर पहुंचे, पीड़ित परिवार से मिले, उसके बाद मीडिया का हुजूम इतना ज्यादा था कि राहुल गांधी परिवार से बात ही नहीं कर पा रहे थे। उसके बाद वो परिवार को लेकर अपनी कार में चले गए और उसके बाद पीड़ित परिवार से उन्होंने बात की। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से राहुल गांधी पीड़ित परिवार को लेकर अपनी कार में गए और उसके बाद वहां पर उन्होंने परिवार के लोगों से बातचीत की। पीड़ित परिवार से मिलने के बाद राहुल गांधी ने कहा कि किसका दोष है किसका नहीं, वो इस लिए यहाँ पर नहीं आए हैं, वो सिर्फ परिवार की मदद करने के लिए यहाँ पर आए हैं। क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने, आपको सुनवाते हैं। देखिए, मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि मेरा काम उनकी मदद करने का। थैंक यू। तो एक और जहां पर कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी पहुंचे, इससे पहले हमने आपको दिखाया था कि जो दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष हैं अनिल चौधरी, वो भी वहां पर पहुंचे थे। उन्होंने भी वहां पर अपने कार्यकर्ताओं के साथ जमकर विरोध प्रदर्शन किया था। केजरीवाल सरकार पर सवाल उठाए थे, गृह मंत्री अमित शाह पर सवाल उठाए थे। इसके अलावा अलका लांबा वहां पर पहुंची थी और इसके बाद देखा गया कि दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता भी वहां पर पहुंचे और उन्हें भी लोगों की नाराजगी झेलनी पड़ी। और वहां पर पहुंचकर आदेश गुप्ता ने कहा कि परिवार को न्याय दिलाने के लिए वो लड़ाई लड़ेंगे, खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, दोषियों को सजा मिलनी चाहिए, 15 दिन के अंदर निष्पक्ष जांच होकर फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाया जाना चाहिए, ऐसी भारतीय जनता पार्टी की डिमांड है। और आज जो परिवार, पीड़ित परिवार है, उनसे हम लोग मिले हैं। भारतीय जनता पार्टी पीड़ित परिवार और पूरे समाज के साथ है। आज हर कोई, हर नेता पीड़ित परिवार से मिल रहा है, न्याय दिलाने की बात कह रहा है, लेकिन मूल सवाल यही है कि आखिर देश की राजधानी, जहां पर सर्वोच्च न्यायालय है, जहां पर प्रधानमंत्री रहते हैं, जहां पर दोनों सदन है, संसद है, इतनी हाई प्रोफाइल जगह पर लड़कियां, महिलाएं, औरतें क्यों सुरक्षित नहीं है? आधी आबादी क्यों सुरक्षित नहीं है देश की राजधानी में? सोचिए, अगर देश की राजधानी में महिलाओं के साथ इस तरह की दरिंदगी हो रही है, 9 साल की मासूम को नहीं बख्शा जा रहा, तो फिर जो देश के गांव हैं, जो ऐसे इलाके हैं जहां पर पुलिस प्रशासन बहुत ज़्यादा मुस्तैदी नहीं दिखाती है, वहाँ पर महिलाओं के साथ क्या क्या नहीं होता होगा। ज़रूरत है नजरिया बदलने की, जरूरत है अपने लड़कों को सही शिक्षा देने की और जरूरत है पुलिस तक पहुंचकर अपनी आवाज उठाने की, क्योंकि अगर आप अपनी लेल नहीं लड़ेंगे तो फिर कोई खड़ा नहीं होगा इस लड़ाई में शामिल होने के लिए। दिल्ली एनसीआर से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।